सभी बहनों को कि भाई आज मैं एक नया तरीका लेके आई हूँ, जो तुरपाई से बहनें बहुत परेशान होती है, तुरपाई कर करके हाथ में भी सुई लग जाती है, और अब यो मतलब अस्तर वाले सूट में तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल आसान तरीका है, आप अपना आराम से कर सकते हो और एक दूसरे बहनों को भी हेल्प कर सकते हो बता के। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना, जो भी बहन परेशान है तुरपाई करके सूट पे, तो उसी बहन के पास तो ज़रूर करना जो सिलाई करती है। तो बहन मैं बता देती हूँ, देखो मैंने अभी अभी जस्ट किया है ये, मैंने सूट सिला था, मैं सोची मैं वीडियो बना लेती हूँ, बहनों को दिखा देती हूँ। अब देखो ये है, मैंने ये सिलाई लगाई है, पक्की सिलाई लगा दी है मैंने, बिल्कुल तुरपाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नहीं तो धागा दिखेगा ना कुछ, और आराम से प्रेस करो, बढ़िया करो। अब देखो जी, यहाँ तक तो अच्छी सिलाई आ गई है, यहाँ पे रही बात इतने की कि यहाँ पे भी हमें तुरपाई करनी ही पड़ेगी इस पर, तो इस पर ज़्यादा तुरपाई ना करें, उसके लिए बचने के लिए है ये कि साइडों में इतनी सी तुरपाई यहाँ पर आएगी, यहाँ से यहाँ तक और ऐसे बस। कई सूट ऐसे होते हैं जिसमें लेस लगी होती है, नीचे तुरपाई आती नहीं है, तो धागा बिल्कुल दिखता ही नहीं है। तो देखो बहन मैं बता देती हूँ आपको ये कैसे आती है, और आप ना ये इस पर ना सिलाई करके, ये देखो जी मैंने ये वाला मोड रखा है आप लोगों के लिए स्पेशल दिखाने के लिए, ये आप ना इस पर आप सिलाई भी कर सकते हो, कच्ची सिलाई, मोटी सिलाई या हाथ से सिलाई, तो इसके पास पास सिलाई लगानी पड़ेगी आपको, ये हिस्सा आपको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप सिलाई लगा सकते हो, जो कि हमारे सीमने में बिल्कुल आसानी रहे। मैं तो सिलाई कभी लगाती नहीं हूँ, कि अस्तर का कैसा भी हो, पतला कपड़ा हो या मोटा कपड़ा हो, कैसा भी हो, मैं कभी सिलाई नहीं लगाती, हमेशा पिन लगा के तुरपाई करती हूँ, हमेशा मेरे तो हाथ बैठ रहा है। देखो मैं बता रही थी, ये सिलाई ऐसे आप लगा सकते हो, जैसे मैंने निशान लगा रखा है वाइट इससे चौक से, तो ये हिस्सा हमें हमेशा खुला छोड़ना चाहिए जब भी हम ये चीज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा पिन लगाती हूँ, पिन मैंने लगा ली है, तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ पिन तो मैंने लगा ली, सिलाई कैसे करनी है। जैसे हमारे ये कपड़े हैं तो इसको हम ऐसे अलग अलग करेंगे, बिल्कुल ऐसे, और इस पे जो हमें पिन छोड़ रहा, पिन है ना उस साइड का छोड़ के, इस साइड से हम अस्तर वाले कपड़े पे टच करेंगे, हम ये वाला हमारे साइड में बच जाएगा, अरे अस्तर वाले पे टच करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको सिलाई करके दिखा देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा पक्का कर लीजिए, शुरुआत में हमेशा पक्का ही करना चाहिए। ये ध्यान रखें कि ये कपड़ा नहीं दबना चाहिए, सिर्फ अस्तर पे ही सिलाई लगेगी। जहाँ पे भाई पिन आपको थोड़ा सा आगे लग जाता है ना, थोड़ी दिक्कत आती है, तो आप पीछे की साइड में पिन लगा लीजिए, जो कि हमारा कपड़ा खिसके नहीं और नीचे का कपड़ा भी ना आए। देखो जी हम जब ये सिलाई करेंगे, थोड़ा सा ऊपर लेंगे, कम से कम 1 इंच या आधा इंच ऊपर लेंगे, जो कि हमारी फिटिंग अच्छे से बैठे। देखो जी हमने जो पिन लगा रखे थे ना, हम इनको निकाल लेते हैं। देखो जी ये कति पक्का काम हो गया है, हाथ का काम नहीं है बिल्कुल भी, इसमें पक्का काम होने से ना कहीं किसी मर्जेगा नहीं, तुरपाई जल्दी से उधड़ेगी भी नहीं, ये बहुत अच्छा काम हो गया है। अरे आप इस साइड से देख सकते हो, अब देखो कितना सीधा, मतलब पूरा कहीं भी बल नहीं है,
और पक्का काम भी हो गया। यहाँ पे हम प्रेस जमाएंगे, ये कनारी हमारी बन जाएगी, आप देख सकते हो बिल्कुल मस्त। अरे ये रेडी, हमने पीछे का पार्ट कर लिया है, आगे का भी मैं ऐसे ही करूँगी। ये मैं आपको दिखाने के लिए मैं पीछा का कर रही हूँ स्पेशल पहले ही, नहीं तो मैंने अभी बाजू भी नहीं लगाई है सूट के, क्योंकि मैं आप लोगों को मैं दिखा दूँ, देख सकते हो ये वाला कपड़ा वैली। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी, मैं वेट करूँगी आप लोगों का। तो भाई मेरे लिए तो परफेक्ट है कि मैंने तो अपना सूट के लगा ली है, ये मेरा 1500 का सूट है और उसमें मैंने अपनी ये चीज़ कर ली है। और आप लोग भी ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी लगेगी। और जिस दिन पूरा तैयार हो जाएगा उस दिन मैं पहन के दिखाऊंगी, और यही चीज़ आपको सबसे पहले दिखाऊंगी ये कैसा लग रहा है। अब लोग मेरा देखते रहना, जब भी तैयार हो जाएगा मैं वैसे ही डाल दूंगी। धन्यवाद।